हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका पीसी ट्रिक्स बाय नितिन। आज की इस वीडियो में मींस पार्ट 4 मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नेमिंग रिएक्शंस। इसमें आपको इस वीडियो में आपको तीन रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, गेटरमैन पोस्ट रिएक्शन, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये तीनों रिएक्शन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि मैंने हिंदी में कुछ लाइन लिख रखी है ऊपर भी और नीचे भी। अब आप सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री में तो इस तरह की हिंदी कहाँ होती है, हिंदी मीडियम में केमिस्ट्री होती है, लेकिन इस तरह जो नॉर्मल लैंग्वेज है वो तो केमिस्ट्री में कहीं होती है सर, वो होती है पीसी ट्रिक्स भाई नितिन में। तो मैं इन्हीं नॉर्मल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको ये रिएक्शन याद कराने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। देखो सबसे पहले क्या है आपका गेटर मैन कोच रिएक्शन, उसके लिए फिर यहाँ पर मैंने छोटी सी ट्रिक लिख रखी है। उसके लिए है कि गेट मैन कह रहा है अले कल के लिए रुको हलकट, कि बच्चे हैं हॉस्टल में रहते हैं, उनके अभी एग्जाम खत्म हुए हैं, तो वो आज ही बैग पैक करके वहां से भाग रहे हैं। तो गेटमैन जो है यहाँ पे क्या है, वो तोतला है, तो वो बच्चों से कह रहा है कि अले कल के लिए रुको हलकट, की बदतमीजो कल के लिए रुको, कल जाना है आज नहीं जाना। तो ये हो गई आपकी कहानी कि गेटमैन कह रहा है अले कल के लिए रुको हलकट। अब आपका यहाँ पे गेटमैन से क्या हो गया, गेटमैन से आपका हो गया गेटरमैन रिएक्शन। गेटमैन से क्या हो गया आपका यहाँ पे गेटरमैन रिएक्शन, और ये जो है अले कल, अले कल से हो गया आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। रुको, रुको से आपका हो गया RCO, रुको RCO, रुको। हलकट मतलब HCl। इससे पहले अगर आपने नेमिंग रिएक्शंस के फर्स्ट 3 पार्ट देखे होंगे तो उन सब में भी हलकट का मतलब क्या था, HCl था, क्या था, HCl था। तो वही चीज है यहाँ पे कि गेटमैन कह रहा है अले कल के लिए रुको हलकट। अब आप ये आते हैं रिएक्शन पे, उसमें क्या है रुको रुको आर आर ये पे है यहाँ पे क्या आपका बेंजीन को, और मतलब हो गया रुको हलकट HCl। इसके बजाय इसमें अले कल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जहाँ पे आपका ये NaCl एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा और वहाँ रिएक्टेंट में आपका क्लोरीन है कहीं, तो ये क्या बनाएगा AlCl4 बनाता है, ये क्या बनाता है AlCl4। ये बात आपको याद रखनी है, ये समझ लो कि ये बहुत जगह जहाँ भी आप देखोगे सब जगह आपको ये पॉइंट काम में आएगा। देखो मैं यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं हम पहले CO और HCl की, बेंजीन रिएक्ट विद कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आप क्या जुड़ा H और ये क्या जुड़ेगा Cl। तो मैंने आपको बताया जो Cl है आपको किसके पास आएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको भी साथ लेगा तो क्या बन जाएगा AlCl3। ऐसा करने से यहाँ पे ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया, बचा क्या यहाँ पे CHO, क्या बचा CHO, और ये CHO आपका बेंजीन पे कहाँ अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये आपका बन जाएगा बेंजीन से यहाँ पे क्या बचा CHO, तो CH और डबल बॉन्ड O, नाम क्या है इसका बेंजेल्डिहाइड, क्या नाम है बेंजेल्डिहाइड। तो देखो बड़ी सिंपल सी तरीके से आपको ये रिएक्शन याद हो जानी चाहिए कि रुको हलकट और अलेकल मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, अलेकल मतलब एस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे आपने रिएक्शन कराई तो ये HCl बना और इसने क्या किया CHO, यहाँ पर अटैक हो गया आपका, तो क्या बना बेंजेल्डिहाइड बना। इसके बाद क्या है दूसरी रिएक्शन आपकी फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। इस फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में क्या है कि मैंने बड़े राक्षस को ऐसे ही कल फ्राइड राइस खिला दिए, कि कोई इंसान कह रहा है अपने दोस्त से कि मैंने बड़े राक्षस को ऐसे ही कल फ्राइड राइस खिला दिए। तो देखो यहाँ पर देखो राक्षस का मतलब क्या होता है, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें आर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे बड़े शब्द का मतलब ये है कि ये आर है, ये आर यहाँ पे एल्काइल नहीं है, यहाँ पे बेंजाइल है मतलब बेंजीन है। तो देखो ये आपका हो गया यहाँ पे बड़े और RX यहाँ पे हो गया। ऐसे ही कल मतलब एसाइल क्लोराइड, क्या हो गया एसाइल क्लोराइड आपका हो गया मतलब CH3 C डबल वन O और Cl, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में होगा ये भी एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ही होगा। अभी आपको बताया है कि यहाँ पे ये HCl होगा, ये क्या करेगा क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्लोरीन कहाँ जाएगा इसके पास जाएगा, ये क्या हो जाएगा AlCl4 हो
हो जाएगा। बचा क्या आपके पास यहाँ पे, आपके पास बचा यहाँ पे CH3CO, और CH3CO आपका क्या होता है, ऑर्थो मेटा डायटिन ग्रुप है। तो ऑर्थो मेटा डायटिन ग्रुप है, ये आपके यहाँ पे देखो क्या कमांड बनेंगे, X यहाँ पे है, ऑर्थो पे लगाओ पहले, इसको क्या हो गया आपका CHO, और दूसरा मेटा पे जब आपका जुड़ेगा तो मेटा पे क्या बनेगा, इसका मेजर कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, मेजर कंपाउंड बनेगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये प्रोडक्ट हो गया आपका कैसा बना, मेजर, ये ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन मेजर कंपाउंड किसमें बनाएगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पे बनाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी हो गई, फिडेल-क्रॉट रिएक्शन। फ्राइड राइस से आपका मतलब क्या था यहाँ पे, फिडेल-क्रॉट रिएक्शन, फ्राइड राइस मतलब फिडेल-क्रॉट रिएक्शन, बढ़ेगा किस मतलब बेंजीन के ऊपर X, ऐसे ही कल एसाइल क्लोराइड, और सी एच जब यहाँ पे जाएगा तो एसाइल क्लोर हो गया, बचा गया आपका CH3CO। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है ये नेमिंग रिएक्शन याद करने के लिए। वैसे तो अगर मैकेनिज्म की बात करें तो एक रिएक्शन में कई सारे स्टेप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो बिल्कुल ही ईजी वे मेरे को लगा है, ताकि जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, जो अभी प्लस टू आउट हैं या प्लस टू में प्लस वन में हैं, उनके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएँ, उन्हें इधर उधर के लिए भागना ना पड़े, इनके लिए टेंशन में ना बैठना पड़े। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी, वो तीसरी रिएक्शन है आपकी हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या है, तो यहां पे मैं इसके लिए आपके लिए मैं लिखता हूं, फिर हम इस रिएक्शन को यहां पे कंप्लीट करेंगे। तो देखो क्या है कि लोग खौफ से चिल्ला रहे हैं भागो, लोग खौफ से चिल्ला रहे हैं, खौफ से चिल्ला रहे हैं भागो भागो, रुको नहीं, ये बार बार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पिलाकर माइंस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, माइंस बना रहे हैं। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था माइंस मतलब क्या होता है, बॉम्ब होता है जिसको मिट्टी में दबाया जाता है, जैसे उसे कोई भारी वजन पड़ता है तो वो फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। देखो क्या है, खौफ से आपका हो जाएगा सीधी सी बात है हॉफमैन रिएक्शन, क्या हो जाएगा, खौफ, तो हॉफमैन रिएक्शन, चिल्ला रहे हैं कि भागो, रुको नहीं, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे RCONH2, ये हो गया आपका रुको और नहीं, NH2, रुको नहीं, ये बार बार मतलब ब्रोमीन वाटर BR2, क्या हो गया, बार बार चिल्ला रहे हैं कि क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड पिलाकर, मतलब प्लस में क्या आएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा, रुको नहीं, ये बार बार सोडियम हाइड्रोक्साइड पिला के एमाइंस बना रहे हैं, एमाइन मतलब क्या होगा आपका RNH2, क्या हो जाएगा आपका RNH2। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपको कितने मोल लेने हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, चार लेने हैं, तो RNH2, उसके बाद आपको क्या बचेगा यहाँ पे CO के साथ यहाँ पे लिखेगा आपका, और Na के साथ Na2CO3, और दो भी आर हैं आपके, तो Na पर क्या होता है प्लस होता है, एन पर क्या होता है प्लस होता है, बी आर पर क्या होता है माइनस होता है, तो दो एन ए यहाँ से आप इसका इस्तेमाल करोगे, इसके साथ तो क्या निकल जाएगा 2NaBr, उसके बाद क्या बचा वाटर H2O, बैलेंस करके देखिए आप इसको, तो ये बैलेंस नहीं होगी, तो क्या बनेगा आपका इसमें, रुको नहीं, वेन एम आई रिएक्ट विद, वैसे क्या है, वेन एम आई रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इट फॉर्म अ प्राइमरी एमाइन। तो ये जो आपकी हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है क्या बनाती है, प्राइमरी एमाइन बनाती है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये प्राइमरी एमाइन बनाया है इसने। तो रिएक्शन का ट्रिक क्या है, लोग खौफ से चिल्ला रहे हैं, डर के भाग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि रुको नहीं, ये लोग बार बार से बना के क्या बना रहे हैं, माइंस बना रहे हैं कि उनको कोई इंसान है जो परेशान कर रहे हैं, मतलब टेररिस्ट हैं जिन्होंने उनको पकड़ रखा है, तो कह रहे हैं कि भागते रहो, रुको नहीं, ये हमें बार बार सोडियम बना के क्या बना रहे हैं, माइंस बना रहे हैं, बॉम्ब बना रहे हैं। तो इस तरह ये आपकी रिएक्शन है, अभी आपकी जो भी रिएक्शन आई है उन सबका मैं धीरे धीरे ट्रिक्स डालता रहूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू वेरी मच।